नमस्कार, टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी का बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ कि जिस पर्पस से मैंने इस चैनल को ओपन किया है, मेरा वो पर्पस पूरा हो रहा है और ये पर्पस आप सभी के सहयोग से पूरा हो रहा है। आपका कोटि 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 धन्यवाद। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, और जो मुझसे एज में बड़े हैं उनके लिए माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन ग्रिड्स के बारे में जिन्हें मैं शील्ड्स का नाम देती हूँ, जो हमें डार्क नाइट ऑफ द सोल में मिलती हैं। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं उन सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ढूंढ कर आपके सामने ला पाऊँ जो हमारे साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल में हीलिंग प्रोसेस के टाइम होता है, पर मुझे सभी नहीं मिली। जितनी मिली मैंने उन सभी को इस वीडियो में आपके सामने स्क्रीन पर डाल दिया है। आप इस वीडियो में इन सभी ग्रिड्स को चेक कीजिएगा। जितने भी लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं, मैं रियल ट्विन सोल्स की बात कर रही हूँ, जितने भी रियल ट्विन सोल्स इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं, या मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी ट्विन सोल्स की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, तो वो इन एनर्जी ग्रिड्स को हीलिंग पीरियड में फील करते हैं, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल हमारी लाइफ में आती ही तभी है जब हमारी डीप हीलिंग डिवाइन कराना चाहते हैं। हमें सोल शॉक दिया जाता है जिसके थ्रू हमें डिवाइन टास्क, अपना डिवाइन पर्पस याद दिलाया जाता है, अपने डिवाइन पार्टनर के बारे में याद दिलाया जाता है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको सोल शॉक लगता है, और जब ये सोल शॉक दिया जाता है तो आप अपनी लाइफ में ये मान के चलो कि एकदम मृत्यु के निकट होते हैं, मीन्स नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस। आप डेथ एक्सपीरियंस को करते हैं अपनी लाइफ में। अब ये डेथ एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होता है। जैसे कुछ लोगों की लाइफ में ये जो डेथ एक्सपीरियंस है, उनकी जॉब एकदम से उनसे या तो छीन ली जाती है, उन्हें ऐसे लगता है अब उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। आपका अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस एकदम डाउन में जा सकता है, मींस आपकी फाइनेंशियल स्टेज जो है एकदम ब्रोक हो जाती है, एकदम चकना चूर हो जाती है। उस ब्रोकन स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन होता है, आपका हार्ट जख्मी हो जाता है, आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है। ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे जब सोल शॉक मिला था तो मेरे लव्ड वंस जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल की गहराइयों में आज भी हैं, वो मेरी ज़िंदगी से उस परम धाम के लिए चले गए थे। आप खुद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं, क्योंकि जिन भी लोगों की ज़िंदगी में ये सोल शॉक आता है वो इस नियर डेथ एक्सपीरियंस को करते हैं। या आपकी लाइफ में इतना डीप डिप्रेशन आता है कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करने ही वाले होते हैं। कुछ लोग तो कर चुके होते हैं, बट क्योंकि डिवाइन ने उनको एक्सपीरियंस दिलाना होता है तो बचा भी डिवाइन ही लेते हैं। हालांकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया है, पर उस टाइम मुझे शील्ड्स ये फील्ड्स नहीं मिली थी जिन्हें मैं शील्ड्स कहना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें तो ये बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं। उस टाइम ये आपको प्रॉपर सिखाई जाती हैं इन ग्रिड्स को लगाना,
ये जितनी भी एनर्जी ग्रिड्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, उन सारी एनर्जी ग्रिड्स को आप उस टाइम विजुअलाइज करते हैं अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस में। और मैं जितनी भी बातें अपनी वीडियोस के थ्रू आपको बताती हूँ, वो सारी के सारी मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस हैं। मोस्टली मेरे ही सेल्फ एक्सपीरियंस हैं जो मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में उस टाइम आए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे उस समय नहीं मिले थे, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रुथ मेरे सामने रिवील हुआ कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब सही है। अदरवाइज़ हम एक बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई समझने वाला नहीं होता। हम किसी को समझाना भी चाहें तो भी कोई समझ नहीं पाता कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये उन सभी लोगों के लिए मेरा हेल्पिंग हैंड है बाय डिवाइन गाइडेंस कि आप लोग उस डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मैं उनको मिरेकल्स कहना पसंद करूंगी कि ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो आपने अपनी लाइफ में कभी ना देखे हों, और वास्तव में मिरेकल्स होते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में एनर्जी शील्ड्स के बारे में, या फील्ड्स कह सकते हो आप। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इस तरीके की आपको एनर्जी शील्ड्स दी जाती हैं। ये सभी जो एनर्जी शील्ड्स हैं वो आपको अंदर तक हील करती हैं, आपकी पर्चिंग होती है। कई बार इन शील्ड्स में इन्फिनिटी का सिंबल होता है, इट मींस कि आपकी डीप हीलिंग की जाती है। इन शील्ड्स के अंदर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, और आप जिस इनसिक्योरिटी से जूझ रहे थे या जिस डिप्रेशन की वजह से आप परेशान थे, वो डिप्रेशन आपका हील होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपकी पर्जिंग होती है, और आपके सारे के सारे चक्रास वन बाय वन, नोटिस करना इस बात को कि जो चक्रास आपके ब्लॉक हो गए थे डिप्रेशन की वजह से, वो सारे चक्रास, यहाँ रोककर मैं कहना चाहूँगी कि आप इस सोल शॉक के बाद एक डीप डिप्रेशन जिसमें आप हर्मिट मोड में चले जाते हैं, मींस आप किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करते, किसी के भी साथ आप कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, आपको अकेले में रहना अच्छा लगता है, तो आप उस मोड में जब चले जाते हैं, ये एनर्जी जो बीम्स हैं वो आपको अंदर तक इतना हील कर देती हैं कि आप वापस फिर दोबारा से इस अर्थ से अपनी कनेक्टिविटी फील करने लग जाते हो। अदरवाइज़ आप पूरे टाइम रोते रहते थे, आपके मन में बार बार ये ख्याल आते थे कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ, यहाँ बाकी लोगों की तरह जो इतने फेसेस लगाकर घूमते हैं, इतने चेहरे पे चेहरे होते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं इन लोगों की तरह क्यों नहीं इजीली हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता या कर पाती, मुझसे चीटिंग क्यों नहीं होती। क्योंकि जो डिवाइन सोल्स होते हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, जब वो अपने डिवाइन फॉर्म में होते हैं तो वो किसी के साथ भी गलत नहीं कर पाते हैं, पर उनके साथ जो चीटिंग्स होती हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। और इस टाइम पर जब उनको सोल
शॉक दिया जाता है तो उनके सारे के सारे जो चक्रास हैं वो या तो ब्लॉक हो जाते हैं या फिर इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये जितनी भी एनर्जी शील्ड्स दी जाती हैं इन एनर्जी बीम्स के थ्रू उनके सभी चक्रास को अलाइन किया जाता है। जब मेरे साथ मेडिटेशन में ये प्रोसेस हो रहा था तो मेरे पास ये विजडम कहीं से भी नहीं थी। इट मीन्स कि जो मेरे मेडिटेशन में विजडम मैं गेन कर रही थी, मैंने यूट्यूब वगैरह पर सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। तो मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये मेरे साथ मुझे हीलिंग प्रोटेक्शन दी जा रही थी। इसको आप टैरो की भाषा में एज ऑफ कप का कार्ड कह सकते हैं कि जब एज ऑफ कप आता है तो आपको डिवाइन हीलिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। आपके उन जख्मों को डिवाइन लव से फिल किया जाता है जो इस अर्थ पर आप लोगों ने या तो कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक्स के थ्रू खाए हैं। अब नेचर आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ऐसे में आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जो लोग एंजल्स के बारे में नहीं जानते उन्हें ये थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है लेकिन जो ट्विन जर्नी में हैं वो ये जानते हैं कि टाइम टाइम पर उनको गाइड किया जाता है। कभी स्पिरिट गाइड के थ्रू, कभी उनको ड्रीम्स के थ्रू, बट इस टाइम पर उन्हें एंजल्स के थ्रू हायर लेवल की विजडम प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले उन्हें हील करने के लिए आते हैं आर्कएंजल माइकल, जो रूट चक्रा मींस मूलाधार चक्रा के आप सोल्जर कह सकते हो या प्रोटेक्टर कह सकते हो, कि वो रूट चक्रा की जो एनर्जी है उसे वो कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं। और धीरे धीरे कर कर यहाँ पर आप उन सभी 7 मेजर आर्कएंजल से कनेक्ट होते हैं। वो आपसे बकायदा कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर इस सिचुएशन में जब आपकी डीप हीलिंग चलती है इन एनर्जी फील्ड्स के थ्रू, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स की बहुत हायर बीम्स होती हैं। इस समय आपको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको बॉडी में जब आप इस एनर्जी को रिसीव करते हैं तो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती। इवन कि जब सोलर प्लेक्सस हील होता है तो आपको यूनिवर्सल एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्सेस में अपने सोलर प्लेक्सस में रिसीव होती है कि आप पेन से तड़प उठते हैं। अब मैं यहाँ आपको डराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयर कराना चाह रही हूँ जिससे कि आप अपने आप को जल्दी से जल्दी हील कर पाएँ। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो आप इतने केपेबल हो जाते हैं कि आप उस एनर्जी को रिसीव कर कर बैलेंस कर लेते हैं। इन एनर्जी बीम्स के थ्रू आपको बैलेंस किया जाता है, आपके चक्रास को बैलेंस किया जाता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को वापस उठाया जाता है जो कि पहले आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई होती है, पर इस मोमेंट में क्योंकि डिवाइन आपको जो समझाना चाह रहे हैं आप उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाते तो वो वापस नीचे बैक हो जाती है। यहाँ पर डिवाइन के थ्रू, एंजल्स के, आर्कएंजल्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है। आप यहाँ पर डिवाइन एंजल नंबर से कनेक्ट होते हैं और आपको जितने भी सारे मैसेजेस हैं वो नंबर फॉर्म में मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको इतनी सिंक्रोनिसिटीज होगी, आप परेशान हो जाओगी ये मेरे साथ हो क्या रहा है। रिपीटेड नंबर इतने ज़्यादा आपकी लाइफ में नज़र आएंगे, जहाँ देखो वहाँ एक टाइम पर आपको एक ही स्पेसिफिक नंबर हर जगह नज़र आएगा। और उस फील्ड से, उस चक्रा से रिलेटेड जो एंजल है या जो मैसेज आपको देना चाहते हैं, जब तक आप उस
मैसेज को रिसीव नहीं कर लेंगे तब तक आपको वो नंबर बार बार दिखाया जाता रहेगा, और जब आप उस मैसेज को समझ जाते हैं तो तब आपको वो नंबर दिखना बंद हो जाता है। मेरे साथ मुझे ये मैसेजेस समझ नहीं आ रहे थे, अब मैं जानती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे लिए सब कुछ नया था, मुझे मैसेज समझ नहीं आ रहे थे। तो मुझे विज़न मैं बोलूँगी, नींद भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं जागी हुई थी, और मुझे बोला गया कि 50 नंबर एंजल नंबर देखो, और मैं हैरान थी कि आसपास कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एंजल्स हमें देख सकते हैं बट हम इन्हें नहीं देख सकते। हमारी जो फ्री विल है उसका ध्यान रखा जाता है, जब हम इन्हें इन्वोक करते हैं, इनका आवाहन करते हैं, तब ही हम इनसे कनेक्ट हो पाते हैं। और जब मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, इवन कि मेरा जो हार्ट चक्रा था बहुत ज़्यादा वुंडेड था, जख्मी था, उस समय डिवाइन ने मुझे बोला कि जाओ डेविड से हेल्प लो। मैं हैरान, मैंने कहा ये मुझे बोला क्या गया है, डेविड, डेविड कौन डेविड, मैं तो किसी डेविड को नहीं जानती, तब तक मैं डेविड के बारे में कुछ जानती नहीं थी। मुझे डिवाइन ने ये मैसेज दिया कि डेविड से हेल्प मांगो, और तब जाकर मुझे एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजेलिक थेरेपी, इनका आवाहन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे सामने रिवील हुई। मुझे कुछ मेडिटेशन के विजन्स के थ्रू मुझे समझाया गया, कुछ ड्रीम्स के थ्रू कुछ वीडियोस मेरे सामने पॉपअप हुई, और तब जाके मुझे ये एंजेलिक विजडम समझ में आई। इट मींस जब ये एनर्जी शील्ड्स आपकी लाइफ में, डार्क नाइट ऑफ द सोल में आनी स्टार्ट हो जाएं, तो समझ लो आप हाई वाइब्रेशनल मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि अब डिवाइन आपसे डिवाइन टास्क कराना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम जिसमें आपके आर्कएंजल्स, डिवाइन तो हमेशा से ही आपके साथ रहते हैं, यहाँ पर आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, नेचर, एनर्जी फील्ड्स, फेयरीज, ये सारे आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको लगेगा शायद ये मैं ड्रीमी ड्रीमी सी बातें कर रही हूँ, बट जो रियल ट्विन सोल्स हैं वो जानते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ये सारे मिरेकल्स होते हैं। आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आर्कएंजल राफेल आपकी हेल्प के लिए पूरे टाइम आपके आसपास। अब आपको पता कैसे चलता है, आप उनको ऐसे खुली आंखों से नहीं देख पाते, आप उनको बटरफ्लाइज की फॉर्म में देख पाते हो। तो ग्रीन कलर की बटरफ्लाई जब तक आप कम्प्लीटली अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं कर लेते हो, वो ग्रीन कलर की बटरफ्लाई आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इट मींस आपको चक्रास के हिसाब से बटरफ्लाइज नज़र आती हैं, और वो एंजल्स आपसे कनेक्ट होकर आपको हील करने में हेल्प करते हैं, आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, आपके चक्रास को फिर से ओपन करते हैं, बिकॉज आपको प्रिपेयर किया जा रहा है डिवाइन वर्क को करने के लिए। तो जो भी चक्रा आपका ओपन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको बटरफ्लाइज नज़र आती हैं, इवन कि आप हर जगह प्रोटेक्टेड होते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक होने वाला होता है उससे पहले आपको अवेयर कर दिया जाता है। अब जो लोग स्पिरिचुअल अटैक्स को नहीं जानते उनके लिए मैं कोई और वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, और उसके सिम्टम्स भी हमें नेचर ही देते हैं कि अब आप अलर्ट हो जाओ, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी ट्विन सोल्स हैं, ये जो स्पिरिचुअल डिवाइन बीइंग्स हैं, वो नेचर से ज़्यादा कनेक्ट हो, बिकॉज आपके पास जो यूनिवर्सल मैसेज है वो नेचर के साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, आपके ड्रीम्स एंड विजन्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको उस ट्रुथ से अवेयर कराया जाता है जो आपके साथ होने वाला है। आपके सामने वो एज अ मूवी वो सीन दिखाया जाता है कि ये होने वाला है, अलर्ट हो जाओ, अपने आप को सेफ रखो, और आपको फ्यूचर पहले ही बता दिया जाता है।
आप यहाँ पर धीरे धीरे अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इन सिंक्रोनिसिटीज़ की लैंग्वेज को समझना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी लाइट लैंग्वेज एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में आप डिफरेंट डिफरेंट मैं साइन कहूँगी कि आप अपने हैंड से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स साइंस बनाना सीख जाते हैं, बिकॉज़ लाइट लैंग्वेज ऐसे ही आपको सिखाती है, सिखाई जाती है। डिवाइन आपको जो लाइट लैंग्वेज है वो ऐसे ही सिखाते हैं, वो या तो सिंबल्स की फॉर्म में बात करते हैं या फिर ईथर लैंग्वेज, जो एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, उसे हम यूनिवर्सल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। उसके थ्रू आपको मैसेजेस दिए जाते हैं। ज़्यादातर सिंपल जो एंजल्स या डिवाइन का मैसेज देने का तरीका है वो है ड्रीम्स और एंजेलिक नंबर्स। तो आपकी लाइफ में अगर कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और आप नोइंगली या अननोइंगली उस नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि उस नंबर के बारे में जो एंजेलिक, या तो आप बुक खरीद लें, अदरवाइज गूगल पर आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, तो आप उस एंजल नंबर के बारे में सर्च ज़रूर करें। आपको इस सर्च से बहुत फ़ायदा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। इवन कि जब यूनिवर्सल पोर्टल ओपन होते हैं, आपको यहाँ पर एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू एक चांस मिलता है, मैं एक चांस की बात कर रही हूँ, आपको एक चांस मिलता है डायरेक्ट डिवाइन के सामने इंटरेक्ट करने का, और आप उनसे आमने सामने इंटरेक्ट होते हैं, उनको बिल्कुल आप अपनी खुली आँखों से भी देख पाते हैं। वो एक चांस होता है जब आपसे आपकी विलिंग पूछी जाती है। अब यहाँ मैं इसको ओपनली आपके सामने नहीं कहूँगी, जो इससे गुजर चुके हैं वो भी जानते हैं, जो इससे नहीं गुजरे हैं उनके साथ ये होने वाला है।